सबसे यदि घटिया कोई प्रधानमंत्री है इस देश में हुआ है तो नरेंद्र मोदी। क्या बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, पूरा फोकस है, खाली फोकस है, फेल हो गए, पूरा फेल है। क्या बात कर रहे हैं, ओल्ड मॉडल हो गया, न्यू मॉडल चाहिए। राहुल गांधी न्यू मॉडल लगते हैं? नहीं नहीं, ओल्ड मॉडल है। आज इनका सारा काम चार परिवार के लिए है। कौन है ये चार परिवार? चार परिवार अडानी है, अंबानी है, मुकेश, नीरव मोदी है, और इसी के लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार इंजीनियर है, उनके डिग्री का पता नहीं है। हम डेमोक्रेसी में जिंदा हैं। अच्छा। हम यहाँ राजतंत्र में नहीं है कि केस कर दीजिएगा, जेल ले जाइएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में अब एक साल से भी कम का समय बाकी रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है जनाब कि आखिर 2024 में देश का पीएम कौन होगा। सवाल ये भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी को टक्कर कौन देगा। और सवाल ये भी है कि क्या 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी होंगे या फिर कोई और। तो इस वक्त हम हाजीपुर में मौजूद हैं, तो आइए फिर चलते हैं हाजीपुर की जनता से जानते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है और उनके मिजाज को टटोलने की कोशिश भी करेंगे। क्या लगता है 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? ये तो बताया नहीं जा सकता, जिस तरह से काम हो रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया है? काम तो अच्छा ही किया है, लेकिन वादा जो किया था निभाए हैं? नहीं, वादा तो नहीं निभाए। वादा नहीं निभाए तो फिर कैसे कह दिया कि काम अच्छा किया? सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आने वाला आया। हाँ, मतलब वो वादा याद दिला रहे हैं आप नरेंद्र मोदी? नहीं आया तो मतलब काम ऐसे बहुत सारे, जैसे कि जॉब आना था, जॉब भी नहीं मिला, बेरोजगार घूम रहे हैं हम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वादा किए हैं सब भुतला गए हैं, कुछ याद नहीं है? कुछ याद नहीं, कुछ निभाए नहीं है। तो क्या लगता है 2024 में कौन? कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को आप मौका देना चाहिएगा कि नहीं? हम तो नहीं देना चाहेंगे। आप नहीं? अच्छा, कोई चेहरा दिखता है? राहुल गांधी दिखते हैं? नहीं, दम लगता है? नहीं, नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार भी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लगता है कि उसमें से कोई चेहरा निकल कर आएगा? अब ये तो समय बताएगा। समय, क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है 2024 में देश को पीएम मिलने वाला है, कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी काम किए हैं लगता है? थोड़ा बहुत तो सब में कमी रहती ही है, थोड़ा मोड़ा कमी रहता है, इनमें भी थोड़ी मोड़ी कमी है। हाँ, लेकिन फिर भी बेस्ट है, बेहतर है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर नीतीश कुमार, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार भी पीएम पद के दावेदार हो जाते हैं तो क्या होगा, साथ दीजिएगा? हाँ, देखा जाएगा, देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी का साथ दीजिएगा? हाँ, नरेंद्र मोदी का दीजिएगा, नीतीश कुमार में सोचिएगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? ठीक है। क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी मैजिक तो चल नहीं जाएगा कहीं? नहीं नहीं, मोदी मैजिक नहीं चलेगा 24 में? नहीं, देश को कोई और प्रधानमंत्री चाहिए। ये कैसे बता सकते हैं, जो सबको इरादा होगा वो तो हमको होगा। वो तो ठीक है, जो सबको इरादा होगा, अपना ना इरादा बताइएगा। हाँ हाँ, मोदी के बात रहेंगे, मोदी के साथ ही रहिए। अच्छा, ये बताइए 2024 में कौन होगा पीएम? कुछ नया इस तरह लाया जाए कि आगे विकास हो। क्या लगता है नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा नया ला सकते हैं? ला सकते नहीं, इलेक्शन के समय सब गोटी आते हैं, अपना वादा देते हैं। हाँ। और उस तरह भूल जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वादा भूल गए हैं? हाँ, वादा याद दिला रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अगर दावेदार के रूप में एक तरफ नरेंद्र मोदी हो जाए और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार खड़े हो जाए तो किसका साथ दीजिएगा? हम तीसरा के साथ देंगे। जो तीसरा का साथ दीजिएगा, व्यक्ति हो उसको, उसको राहुल गांधी कैसे लगते? नहीं, हम वो दोनों छोड़ करके तीसरा कोई आए। राहुल गांधी अच्छा, दोनों पुराना हो, ओल्ड मॉडल हो गया, न्यू मॉडल चाहिए। राहुल गांधी न्यू मॉडल लगते हैं? नहीं नहीं, ओल्ड मॉडल है, वो भी ओल्ड मॉडल है, कोई और चाहिए? हाँ, नया चाहिए, कोई नया। नाम क्या है? बबलू कुमार। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन? हमको तो बुझा रहा है कि आ जाते ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। हाँ। नरेंद्र मोदी पूरा फोकस है, वो खाली फोकस है, फेल हो गए, पूरा फेल है। क्या बात कर रहे हैं? उनको नोटबंदी चाहिए। अच्छा, राम नाम पर वोट चाहिए उनको। अच्छा, मतलब कि राम नाम पे वोट कोई चाहिए, कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते, बहुत सारा वादा किए थे, कुछ नहीं किए अभी तक, कुछ नहीं किए, गुस्सा है, गुस्सा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार खड़े हो जाएं तो
लोग किसको चुनेंगे? उससे अच्छा नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी से अच्छा नीतीश कुमार है। अच्छा है, मौका देना चाहिएगा। हाँ, मौका मिलना चाहिए, लगता है काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे। राम मिलन राय, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी कैसा काम किए हैं? सबसे यदि घटिया कोई प्रधानमंत्री है इस देश में हुआ है तो नरेंद्र मोदी। क्या बात कर रहे हैं, बहुत गुस्से में है आप लोग। गुस्से में नहीं है आप, देखिएगा ना कि आजादी के बाद इन लोग जो फतवा जारी कर रहा है आज के डेट में, अभी तक ले कुछ बनाए नहीं, एक भी हॉस्पिटल नहीं दिए, एक भी कोई चीज नहीं किया, लेकिन सबको गिरवी रख दिए। अच्छा। हम लोग जिस समय कांग्रेस की में समय था तो उस समय सब लोग काम मिलता था, आज इनका सारा काम चार परिवार के लिए है। अच्छा, कौन है ये चार परिवार? चार परिवार अडानी है, अंबानी है, मुकेश नीरव मोदी है, और इसी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर सामने नीतीश कुमार खड़े हो जाए नरेंद्र मोदी के, तो साथ किसका दीजिएगा? बिल्कुल नीतीश कुमार को देंगे। लगता है नीतीश कुमार में वो काबिलियत है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार, वह इंजीनियर है, उनका डिग्री का पता नहीं है, उनके डिग्री का पता ही नहीं है। नीतीश कुमार इंजीनियर है, उनके डिग्री का पता नहीं है। अच्छा, है पता? आपको पता है? नहीं, हमको कैसे पता, आपको पता है? हाँ, हम लोग जानते हैं कि उनको डिग्री अच्छा, नहीं है। डिग्री नहीं है उनको? नहीं है कोई डिग्री। बड़ी बात कह रहे हैं? जो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अच्छा, मालूम है ना कि नहीं कि केस हो गया था डिग्री के बारे में पूछा गया तो केस हो गया? हम डेमोक्रेसी में जिंदा हैं। अच्छा, हम यहाँ राजतंत्र में नहीं है कि केस कर दीजिएगा जेल ले जाइएगा। मतलब पूरी हिम्मत रख रहे हैं? बिल्कुल। पूछिएगा सवाल। मेरा नाम तो उपेंद्र राय हुआ। अच्छा, क्या लगता है 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? वो तो देखिए, अब तो आने वाले समय बताएगा। नरेंद्र मोदी का क्या लगता है, मोदी मैजिक चलेगा? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, खत्म हो गया है, कह रहे हैं बदलाव होगा, समाप्त हो गया है मोदी, बदलाव होगा, झटका लग जाएगा नरेंद्र मोदी को। हाँ, लगेगा। अच्छा पांडे जी, क्या लग रहा है 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन है? ये तो समय आने पर मालूम पड़े, समय आने पर। लेकिन अभी से तो आप लोग देख रहे ना, हवा क्या है, काम कौन किया है, अब तो एक साल से भी कम का समय है, क्या लगता है? देखिए अब क्या होता है, नरेंद्र मोदी काम किए हैं कि नहीं? काम किए हैं, काम किए, मौका दीजिएगा। अब मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, परिवर्तन की जरूरत नहीं है, देश को नरेंद्र मोदी चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए, आपको नरेंद्र मोदी चाहिए। तो देखा आपने कि हम इस वक्त हाजीपुर में हैं, और जब हमने हाजीपुर के लोगों से उनके मन को टटोलने की कोशिश की, जब सवाल किया कि देश का पीएम कौन होगा 2024 में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें बदलाव चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जिन्होंने साफ कहा है कि देश को इस बार भी नरेंद्र मोदी ही चाहिए। तो अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।